बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए आज की मॉर्निंग कुछ खास अच्छी नहीं रही है। लास्ट नाइट और अर्ली मॉर्निंग वेस्ट कंट्रीज के जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर है वो मार्केट में सेलिंग करके गए हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन के प्राइस में 10% तक का फॉल देखने को मिला है। इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम BTC का चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड सेकंड हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट वीक BTC के प्राइस ने 50 डे मूविंग एवरेज को सडनली डाउनसाइड ब्रेक किया और तब भी हमें 10% के अराउंड तक का फॉल BTC के प्राइस में देखने को मिला था। बट जो ये बीरिश मोमेंटम बना था बिटकॉइन में वो जल्दी स्लो हो गया और 36 से 37,000 डॉलर की रेंज में BTC ने सपोर्ट लिया। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि यूक्रेन रशिया वॉर अब थोड़ा ठंडा होता दिखाई दे रहा है। रशिया ने सीज फायर अनाउंस कर दिया है और दोनों कंट्रीज में पीस टॉक चल रही है, जिसके कारण वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। अभी बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है 39,000 डॉलर के राउंड। बिटकॉइन की जो कंसोलिडेशन रेंज है 36 से 45,000 डॉलर की वो अभी भी कंटिन्यू है, जिसको आप चार्ट पर देख सकते हैं। लास्ट नाइट जहां बिटकॉइन में बुलिश मोमेंटम था और लग रहा था बिटकॉइन फिर से 100 डे के रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करेगा, बट लास्ट कुछ टाइम से जैसा हम चार्ट पर देख रहे हैं, जब भी बिटकॉइन 45 के रेंज की तरफ मूव करता है तो इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और चार्ट पर हम देख सकते हैं लास्ट कुछ टाइम से मल्टीपल टाइम BTC ने 45 और 46 की रेजिस्टेंस रेंज को टेस्ट किया है और हर बार की तरह इस बार भी इसने रिजेक्ट कर दिया है इन लेवल को ब्रेक करने से। बिटकॉइन के चार्ट पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। आप चार्ट पर असेंडिंग ट्रेड लाइन को भी देख सकते हैं, जिसको बिटकॉइन लास्ट कुछ वीक से होल्ड कर रहा है। अब भी बिटकॉइन इसी सपोर्ट लाइन के अराउंड है और अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो और ज्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आएगा। बिटकॉइन के चार्ट को शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखने पर आपको एक लार्ज बीरिश फ्लैग पैटर्न देखने को मिलेगा और प्राइस इसी फ्लैग के इनसाइड ही ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म में। लास्ट नाइट वो इस फ्लैग की अपर रेंज को टेस्ट करने वाला था, बट बीच में ही इसने यूटर्न ले लिया है। चार्ट पर आप एक और चीज नोटिस कर पाओगे, जो बिटकॉइन का ट्रेड प्राइस है वो डे बाय डे नैर होता जा रहा है। ये था दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस एंड मार्केट अपडेट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। US प्रेसिडेंट जो बाइडन जस्ट पुट आउट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन क्रिप्टो करेंसीज। US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। इसमें उन्होंने कहा है कि उनकी गवर्नमेंट को एग्जामिन करना चाहिए कि क्या क्या रिस्क एंड बेनिफिट हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में मेजरली 6 की एरियाज पर फोकस किया गया है: कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इलिसिट एक्टिविटीज, US कम्पिटिटिवनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। इसके अलावा US डॉलर के डिजिटल वर्जन की तरफ भी अपना रुख कर दिया है। ये एक ग्रेट न्यूज है क्रिप्टो करेंसी के लिए और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई हमें क्रिप्टो मार्केट में इस न्यूज का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। नेक्स्ट न्यूज है गोल्डमैन सैक्स ऑफरिंग ETH फंड क्लाइंट थ्रू गैलेक्सी डिजिटल। द बैंक इज इंट्रोड्यूसिंग क्रिप्टो क्यूरियस क्लाइंट टू गैलेक्सी इंस्टीट्यूशनल इथेरियम फंड, सैक डॉक्यूमेंट शोज। जैसा कि हमें पता है गोल्डमैन सैक्स वर्ल्ड की एक बिग जायंट फाइनेंशियल कंपनी है और ये कंपनी इथेरियम ETF ऑफर कर रही है अपने क्लाइंट्स को जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी क्यूरियस है और इंटरेस्टेड है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। लास्ट कुछ टाइम से ये ट्रेंड हमें देखने को मिला है, बिग फाइनेंशियल कंपनीज क्रिप्टो ETF अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रही है जो क्रिप्टो की अडोप्टेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है Binance to expand into every economic sector. Binance CEO Jiangpeng Zhao has detailed Binance strategy to expand not only his own company but the crypto industry as a whole. Binance के CEO ने कहा है कि उनकी स्ट्रेटेजी है Binance को every economic sector में expand करने की। वो बस crypto industry तक ही limit नहीं रहना चाहते हैं, वो outside crypto industry भी investment कर रहे हैं। इसके अलावा उनका target है हर इकोनॉमिक सेक्टर में से एक दो कंपनीज के बिजनेस मॉडल में डिजिटल एसेट्स को इंक्लूड करने का, और उन्होंने स्टार्टिंग कर दी है फोर्थ में $200 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है बाइनेंस क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।